हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या इस समर सीज़न आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, डल हो गई है और आपके स्किन की नेचुरल ग्लो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है? सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी चीज़ का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। सो समर सीज़न में स्किन ड्राइनेस या ड्राई स्किन, सन टैन, डल स्किन बहुत ही कॉमन है, क्योंकि सीज़न में तेज़ धूप और ड्राई एयर, गर्म हवाएँ चलती हैं, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर देती है। ठीक है, सो समर सीज़न में ड्राइनेस से बचने के लिए, डलनेस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखिए, क्योंकि चाहे कोई भी सीज़न हो, हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, और धूप से बचने के लिए हमें सन प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि धूप की वजह से हमारी स्किन में किसी भी तरह का सन डैमेज ना हो। तो उसके लिए भी आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी सनस्क्रीन भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, दूसरा रीज़न हो सकता है समर सीज़न में स्किन ड्राइनेस होने का, डलनेस होने का, और उसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि अक्सर समर सीज़न में हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। और आप सबको पता है कि हमारी बॉडी 75% पानी से बना है, तो इसीलिए हमारी बॉडी को, हमारे स्किन को, हमारे बालों को अंदर और बाहर से हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो उसके बहुत सारे साइंस हमारी स्किन, हमारे हेयर में दिख जाते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, चैप्ड लिप हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी और ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने बॉडी में हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी का इनटेक अच्छे से कीजिए। ठीक है, सो इस समर सीज़न में अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए और समर्स में होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ DIY फेस वॉश, जिससे आपको दिन में दो बार अपना फेस वॉश करना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। ठीक है, दूसरा है DIY नरिशिंग क्रीम, जो कि फेस वॉश करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो आप टाइम पे देख पाए। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस क्लिनजर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ओट्स ले सकते हैं। ठीक है, ओट्स को आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर बना के आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर। चंदन पाउडर का जो तासीर है वो ठंडा होता है, स्पेशली समर सीज़न में ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, हमारे स्किन की हीट को कम करता है। ऑल्सो इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि अगर आपको समर्स में बहुत ज़्यादा सन टैन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये आपके सन टैन को भी बहुत अच्छे से फिक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी और 1 टेबल स्पून हनी, यानी कि शहद। अगर आपकी स्किन की टेक्सचर बहुत रफ़ हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ड्राइनेस हो गई है, तो फिर यहाँ पे आप 2 टेबल स्पून हनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें डालना है 2 टेबल स्पून कर्ड और थोड़ा सा 5 से 6 ड्रॉप्स आप इसमें लेमन जूस ऐड कर दीजिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा DIY क्लिनजर है, जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करेगा, बल्कि आपकी स्किन को वेल मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, और आपकी स्किन में अगर किसी भी तरह की डलनेस है, सन टैन है, या स्किन डार्कनिंग है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको ये ग्रेजुअली फिक्स करेगा। ठीक है, तो इस क्लिनजर को आपको दिन में दो बार यूज करना है, वंस इन अ मॉर्निंग एंड वंस इन अ नाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने फेस को वेट करना है, उसके बाद इस क्लिनजर को लेके अपने फेस में अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और कम से कम 1 मिनट तक मसाज करिए, और 1 मिनट के बाद आप प्लेन वाटर से फेस वॉश कर लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप इस फेस वॉश को कंटिन्यू 1 वीक भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने स्किन पर बहुत ही विजिबल डिफरेंस देख पाएंगे, एंड आपको किसी भी मार्केट के फेस वॉश को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस समर, पूरे समर को इस क्लिनजर को बना के ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ अब हम बनाएंगे अपना DIY नरिशिंग नाइट क्रीम, जो कि हमारी स्किन को वेल मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा। ठीक है, तो इस क्रीम को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे एलोवेरा जेल। समर सीज़न में जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो कुकुम्बर जेल हो, एलोवेरा जेल हो या पपाया जेल हो। जेल हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होकर के हमारी स्किन को वेल हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे कुकुम्बर का जेल है, तो आप यहाँ पे एलोवेरा जेल के साथ 1 टेबल स्पून कुकुम्बर जेल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको यहाँ पे ऐड करना है 2 to 3 टेबल स्पून। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्लिसरीन। अगर आपकी स्किन, जो स्किन ड्राइनेस होती है समर सीज़न में, उसके लिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप यहाँ पे कम से कम 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे।
एंड नेक्स्ट ऐड करेंगे विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे दो विटामिन ई कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो विटामिन ई ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। ऑलमोस्ट हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का यूज़ किया जाता है, क्योंकि विटामिन ई हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है। इसकी वजह से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है तो विटामिन ई आपके स्किन की जो सन डैमेज हुई है उसको ये रिपेयर करता है। ऑल्सो अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, पिम्पल मार्क्स हैं, तो इसके कंटिन्यू यूज़ से ये आपके इसको मार्क्स को, डार्क स्पॉट्स को भी लाइटन अप करता है, फेड करता है, आपके स्किन को वेल नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है अप्रॉक्स हाफ टेबल स्पून विटामिन ई ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल और 5 से 6 ड्रॉप्स इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आप यहाँ पर कोई से भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। नाउ इसको धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आपको एक क्रीम सा टेक्सचर मिल जाएगा। इस क्रीम को आप बना करके 1 मंथ के लिए रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग और नाइट में अपना उसी क्लेंजर से जो मैंने आपको अभी बताया उसे फेस वॉश करना है। उसके बाद आप इस क्रीम को अपने फेस में अच्छे से अप्लाई करेंगे, मसाज करेंगे और ये थोड़ी ही देर में आपकी स्किन में वेल एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओवरनाइट के लिए इस क्रीम को अपने स्किन पर रहने दीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग आप फिर से DIY क्लेंजर बनाइए और फेस वॉश कर लीजिए, ठीक है। इस क्रीम को आप डे और नाइट दोनों टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पूरे समर सीजन में अपनी स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए, सनटैन हटाने के लिए, स्किन को वेल नरिश, मॉइस्चराइज, हाइड्रेट रखने के लिए इस DIY नरिशिंग क्रीम को और इस DIY फेस वॉश को बना के यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद अपना फीडबैक, अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो देखना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। सो या मैं आप सबसे जल्द मिलती हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।